हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो सही बच्चों, जैसा तो मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, और मैथमेटिक्स में भी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति। और ये भी आपको मालूम होगा कि हम लोग रिविजन वाली क्लास कर रहे हैं, है ना? हम लोग रिविजन वाली क्लास कर रहे थे। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, ये आखिर रिविजन वाली क्लास है, तो देख लेते हैं कि आखिर हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या रिवाइज किया था। ओके, तो देखो, हम लोगों ने बेटा पिछले क्लासेस में रिवाइज किया था पूर्णांकों पर संक्रिया, जो कि थी योग, घटाव और भाग की, है ना? एक एग्जाम्पल तुम्हें समझा देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है -35, और इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? जी -7। माइनस का 7। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है, माइनस का 7 ही आएगा इसका आंसर। एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो इसी प्रकार के कुछ सवालों को हम लोगों ने इस वाले टॉपिक में सीखा था, फिर योग भी सीखा था, घटाव भी सीखा था। थोड़ा सा योग को बात कर लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है -9 प्लस -3, तो बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? अगर इस सवाल ऐसे पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर क्या आएगा? 12 प्लस -12 सर। -12। प्लस के सारे 96 सर। बेटा, सारे बच्चे चैट जी चैट में आंसर करिए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, चैट में आंसर करेंगे ज्यादा बेटर होगा, है ना? ऐसे शोर होता है क्लास में तो कोई बच्चा कुछ सुन नहीं पाता है। तो देखो, कुछ बच्चे कुछ हाँ अलग आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ अलग आंसर दे रहे हैं। मैं सारे बच्चों को सिखा देता हूँ कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? देखो बेटा, मैंने आप सभी को सिखाया था कि प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस हो जाएगा ये, और जब सेम साइन होगा तो नंबर जुड़ जाते हैं, तो 9 और 3 ऐड होकर के 12 हो जाएगा। अब होगा क्या बच्चों, अब होगा क्या? अब ये चिट्ठी बड़ा मैं साइन इनमें से देखना बड़ी सर। संख्या, है ना? बिल्कुल सही बात है, सर बड़े और बड़े दोनों साइन सर जो, माइनस का साइन है। सर हाँ, तो इसलिए हम यहाँ पे -12 लिखेंगे, ठीक है? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर ओके नीरज, तुम अजीत सर ने गलत, पहला सिखा दिए। ठीक है? हाँ नीरज, तुम गलत कर रहे थे, आई थिंक -6 ला रहे थे। हाँ सर जी, मैंने यहाँ पे सर जी उसको सर जी घटा दिया ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ सॉरी सर। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो आज का हम लोग का टॉपिक है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए अपनी कॉपी में, हम लोग आज इस वाले टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? आज हम लोग इस वाले टॉपिक का रिवीजन करने वाले हैं। क्या सारे बच्चे रेडी हैं? यस सर, माइक तो खुल गया। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे हेडिंग लगा दीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वाले टॉपिक में, बहुत कुछ नई नई चीजें भी मिलेंगी, है ना? आप प्रिया इसको, सर अजीत सर ने सिखा दिए। अच्छा संदीप के नाम से जो बच्चा है आप माइक बंद करिए, कुछ भी बोलना है बेटा चैट का यूज करिए, ना चैट का यूज करिए, ठीक है? ओके, चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि आखिर ये भिन्न होता क्या है। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर कोई संख्या p बाई q के रूप में लिखी गई है तो उसको भिन्न कहते हैं। जैसे कि मान लो लिखा गया है 7/12, ठीक है बच्चों? मान लो लिखा गया है 7/12, तो यह एक p बाई q के फॉर्म में लिखा गया है, p बाई q के रूप में लिखा गया है, ठीक है? इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग भिन्न कहते हैं, ठीक है बच्चों? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो 7 है ना, ये अंश है, ठीक है बच्चों? और ये जो 12 है, ये हर है। हर सर अंश को, हाँ, अंश को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में बोलते हैं, डोमिनेटर। हाँ, डिनोमिनेटर, है ना? डिनोमिनेटर। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, तो भिन्न के कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मान लो
5/4 लिखा गया है, 3/7 लिखा गया है, 1/2 लिखा गया है, ये सभी बच्चों जानते हो क्या है, भिन्न लिखे गए हैं, ये अलग अलग भिन्न है, ये एक अलग भिन्न है, ये एक अलग भिन्न है, ये अलग भिन्न है ना। तो इस तरीके से भिन्न के एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। यहां तक सबको क्लियर? ओके बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? चलो, अब देखो यहाँ पे वही सारी चीजें बताई गई हैं कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। चलिए मैं आपको एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है 13/15 है ना, तो बताओ बेटा यहाँ पे अंश का मान कितना है? अंश का मान 13, 13, 13 सर, पंद्रह, और बच्चों हर का मान कितना है? पंद्रह, हर का मान 15 है, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और, क्या हम लोग इसको भिन्न बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं सर। बिल्कुल सही, ये भिन्न ही है, 13/15 एक तरीके का भिन्न ही है ना। तो जी अंश सर, का मान 13 और हर का मान 15। चलिए बहुत बढ़िया, मैंने ये भी सिखा दिया कि अंश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, ये जो भिन्न होता है ना, वो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। जो भिन्न होता है वो कितने प्रकार का होता है? तीन तीन प्रकार का होता है, ठीक है? मतलब तीन प्रकार का होता है, तो चलिए हम लोग इन तीनों ही प्रकारों को सीखते हैं, ठीक है? सर, इन तीनों, तीनों प्रकार सर। चलो बढ़िया है, अच्छी बात। देखो बेटा, पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं उचित भिन्न, जो दूसरा प्रकार है उसको बोलते हैं विषम या अनुचित भिन्न, और जो तीसरा प्रकार है उसको बोलते हैं मिश्र भिन्न, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आ रहा बच्चों आपको? यस सर, तो तीन तरीके के भिन्न होते हैं, ठीक है? याद कर लीजिए, उचित भिन्न जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और तीसरा होता है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, तो सबसे पहला वाला मैं सिखाऊंगा आप सभी को, पहले उचित भिन्न के बारे में, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, अगर कोई ऐसा भिन्न है जिसका अंश कम है, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है 12/29, ठीक है, ऐसे लिखा है, तो देखो यहाँ पे जो अंश, ये सर्वोचित बिल, हाँ बिल्कुल सही, ये जो अंश है वो कम है, किसकी तुलना में? हर की तुलना में, है ना, हर जो है वो ज्यादा है ना। तो इस प्रकार के भिन्न को बच्चों हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? वेरी सिंपल, गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ बेटा, सिंपल ही है, कुछ भी टफ नहीं है, जितना बढ़िया से आप समझोगे सब कुछ सिंपल हो जाएगा, कुछ भी टफ नहीं होता है। श्योर, ओके। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उचित भिन्न के, है ना, आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि उचित भिन्न में अंश का मान कम होता है इन कंपैरिजन टू हर, ठीक है, इन कंपैरिजन टू हर। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया 5/7, ठीक है, 5/7, तो यहाँ पे जो अंश है वो कम है, ठीक है, और जो हर है ना बच्चों वो क्या है, ज्यादा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा? उचित भी हाँ जी, नहीं, यह अच्छा, सर आ गया सर समझ में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, यह एक उचित भिन्न है, बहुत बढ़िया। ओके चलो, अब मैं एक सर सवाल, हाँ बताइए। सर, ये हमने पहले नोट कर रखा, अभी भी नोट करना सर। देखो, अगर पहले नोट कर रखा है तो कोई जरूरी नहीं है, वैसे काफी दिन हो गए होंगे आपको पढ़े हुए ये सारी चीजें, क्यों? मैं आप सर पहले, सर क्योंकि पहले ही पढ़ लिया, क्योंकि हाँ मैंने मतलब, नोट ले कर ली, लिख ले भी लिया।
हाँ वही चीज है। देखो अगर आपको लगता है कि लिखने की जरूरत नहीं है तो मत लिखिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि लिखने की जरूरत है तो आप लिख सकते सर हैं। हाँ बताइए, अनुचित भी नहीं, इसके बिल्कुल उल्टी होती है ना। एकदम करेक्ट आंसर है ना, एकदम जस्ट इसका उल्टा होता है ना, और अभी मैं उसको सिखा रहा हूँ। पहले मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है 99/102, तो बताइए क्या हम लोग इसको उचित भिन्न कह सकते हैं? ये उचित भी नहीं है। हाँ जी सर, क्योंकि इसका जो अंश है ना वो हर से सर छोटा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा क्या नाम है आपका बेटा? सर आर्यन है। आर्यन। ओके गुड आर्यन, बहुत बढ़िया। ठीक है चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ, अब मैं आपको सिखाता हूँ विषम भिन्न के बारे में या फिर अनुचित भिन्न के बारे में। देखो बच्चों इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या आप सीखने के लिए रेडी हो? सर इसमें सब कुछ उल्टा है, क्या हुआ बेटा? इसमें सर उसके उचित मूल के उल्टा है। इसमें एकदम सही बात, एकदम सही बात। देखो अगर जो ना मान लो वो ऐसे आगे लिखा हो, ना वो ज्यादा होता है और हर कम होता है। तो मान लो अगर ऐसे लिखा हुआ है 13/5, ठीक है 13/5 लिखा गया है, ठीक है बेटा। तो अच्छा इस प्रकार के भिन्न को हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि जो इसका अंश है ना बच्चों, अंश वो है ज्यादा। एक सेकेंड, हर से ज्यादा हाँ हर से ज्यादा, इस प्रकार के है ना, इस प्रकार के हम लोग भिन्न को क्या बोलेंगे? सर अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी? वो समझ में आ रहा है? देखने एक सेकेंड, एक सेकेंड, सारे बच्चे माइक, अरे बच्चे माइक बंद कर लीजिए, सारे बच्चे माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब शोर होता है तो बाकी बच्चे सुन नहीं पाते हैं और वो देखा क्लास करते हैं तो डिफिकल्टी होती है। एक सारे बच्चे है ना, हाँ सारे बच्चे माइक को बंद रखेंगे अब, और सिर्फ और सिर्फ है ना, सिर्फ और सिर्फ चैट सेक्शन में ही आंसर करेंगे। चलिए बच्चों अब देखो यहाँ पे ढेरों एग्जाम्पल लिखे गए हैं अनुचित भिन्न के, है ना। ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं बच्चों सब के सब क्या हैं? अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? चैट में लिखी है ना, चैट में, बिल्कुल सही बात है ना। ओके बच्चों तो आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इन सारे है ना, इन सारे संख्याओं का, इन सारे भिन्नों का जो अंश है वो ज्यादा है, ठीक है, और जो हर है वो कम है, ठीक है। सर अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैं आपको सिखाऊंगा मिश्र भिन्न के बारे में, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। क्या आप लोग रेडी हैं बच्चों? क्या आप लोग सीखने के लिए रेडी हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो अगर आप एक पूर्ण संख्या के साथ में है ना, एक पूर्ण संख्या के साथ में है ना एक उचित भिन्न लिखते हैं, ठीक है बच्चों, एक उचित भिन्न लिखते हैं है ना, तो इस प्रकार की,
अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा, ओके। हाँ, तो एक पूर्ण संख्या को एक उचित भिन्न से हम लोग मिक्स करके लिखते हैं, तब जाके इसका नाम होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन या फिर मिश्र भिन्न। एक एग्जाम्पल तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है 4 सही, है ना, 12 बटे, हाँ 4 सही 12 बटे 15, ठीक है, 4 सही 12 बटे 15, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या आपको समझ में आ रहा है ऐसा क्यों? उसके पीछे का लॉजिक देखो, उसके पीछे का लॉजिक ये है बेटा, ये जो 4 है ना, यह एक पूर्ण संख्या है, और ये जो 12 बटे 15 है यह एक उचित भिन्न है, और जब एक उचित भिन्न एक पूर्ण संख्या के साथ मिलता है तब मिश्र भिन्न बनता है, ठीक है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? नहीं, अभी इसको मैं चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी मैं इसको कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अभी बस आप ये सीखिए कि भिन्न कहते किसे हैं, ठीक है, और मिश्र भिन्न क्या होता है ना, ये सारी चीजें सीखिए। जब मैं अभी कन्वर्ट करने के लिए सिखाऊंगा तब बताइएगा इस तरीके से जो उत्तर आप बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, ओके बच्चों, ओके। आप लोग एक एग्जाम्पल बताइए। तुम मान लेते हैं लिखा हुआ है 3 सही 4 बटे, मान लेते हैं लिखा हुआ है 17, तो इसको हम लोग, है ना, इसको हम लोग किस प्रकार का भिन्न कहेंगे, इसको हम लोग किस प्रकार का भिन्न कहेंगे? तो इसको हम लोग किस प्रकार का भिन्न कहेंगे बेटा? इसको बदलने की अभी जरूरत नहीं है ना, बस जितना पूछा जा रहा अभी वो तो बताए किसी, ठीक है, चलिए हाँ बता दीजिए जल्दी। ओके बच्चों, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। चलो बच्चों, अब आपकी स्क्रीन पे ये सवाल आ चुका है, आपका इसका, है ना, आपको इसका आंसर करना है। चलिए, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया बच्चों, ठीक है। ध्यान से पढ़िए इस सवाल सवाल को, है ना, और इसका आंसर करिए। छह बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है ना। बाकी लोग भी आंसर करिए।
ओके, 8 बच्चों का ठीक है, और एक बच्चे का, एक सेकेंड, चलो बच्चों आप लोग का माइक मैंने ऑन कर दिया है, आप लोग अपना है ना कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, बताइए, लेकिन सर आंसर है ना, आंसर मत बताइएगा, माइक ऑन करके, ठीक है। ओके, तो किसका 8 बच्चों का, गलत और बेटा 4 बच्चों का गलत है, 4 बच्चों का किसका सर नहीं, नाम अभी नहीं पता लगता है बेटा, नाम एक दिन के बाद है ना, कल तक मुझे पता लगता है, ठीक है, इसलिए अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन हाँ बताइए इतना जरूर है कि बताइए। 4 बच्चों का गलत है और 8 बच्चों का सही है, ठीक हेलो सर, मेरा ठीक है। अभी आप मिला लीजिएगा है ना, अभी आप मिला लीजिएगा। ब्रोकिंग हाँ बताइए। हाँ हेलो हेलो, हमारा ठीक है के बेटा क्लास में अननेसेसरी माइक मत ऑन करिए, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो सवाल क्या था, मैं इसको सिखा देता हूँ बेटा, उसके पहले है ना, चलिए उसके पहले मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है, चलिए मैं पोल को बंद कर लेता हूँ बच्चों, और चैट को मैंने ऑन कर दिया। ओके बहुत बढ़िया, चलिए अब देखिएगा मैं इसको सिखा देता हूँ, लिखा हुआ है 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, देखो यहाँ पे जो ये अंश है ना बच्चों, ये जो अंश है वो कम है, ठीक है, ये जो अंश है वो क्या है, कम है, और ये जो हर है बच्चों ये ज्यादा है ना, ये हर जो है वो ज्यादा, तो इस प्रकार है ना, इस प्रकार का अगर भिन्न होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? हेलो ईशांत, हेलो। ओके, क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ओके चल ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए, ठीक है बच्चों, इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए, सवाल बहुत ही अच्छा सा है, ओके, तो 8 बच्चों का ठीक है और 3 बच्चों का गलत, 8 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है बच्चों, एक 11 बच्चों का ठीक है और 4 बच्चों का गलत, ठीक है, बारह बच्चों का ठीक हो गया, ओके, और 5 बच्चों का गलत।
सारे बच्चे आंसर करिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना। मैं चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ और मैंने कोड सेक्शन को बंद कर दिया, ठीक है। सारे बच्चे लिखिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, ठीक है। आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, तो स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, ठीक है। आप एक बार क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। ओके, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5 सही 1/3। आपको बस इतना बताना था कि यह किस प्रकार का भिन्न है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यह एक पूर्ण संख्या है और यह एक, है ना, उचित भिन्न है ना, यह एक उचित भिन्न। तो यह पूर्ण संख्या और यह उचित भिन्न से मिल करके, है ना, यह पूर्ण संख्या और यह एक उचित भिन्न से मिल करके जो ये भिन्न बनती है उसका हम लोग नाम रखते हैं, है ना, उसका हम लोग नाम रखते हैं मिश्र भिन्न, यानी कि ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। हाँ, अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, चैट में लिख दीजिए, है ना। अगर प्रॉब्लम है तो बेटा चैट में लिख दीजिए, ठीक है। देखिए मैं बस इतना समझा रहा हूँ आप सभी को कि अगर कोई संख्या, अगर कोई भिन्न, किसी भी एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिल करके बनी हुई है, तो उसको हम लोग, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र खंड, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र खंड, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर लिखा हुआ है 12 सही 4/, मान लो लिखा हुआ है 17, तो बच्चों यह एक मिश्र भिन्न होता है, ठीक है, यह एक मिश्र भिन्न होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। और बच्चों यहाँ पे एक और सवाल दिया गया है, लिखा गया है 14/5 किस प्रकार का भिन्न है ना, 14/5 किस प्रकार का भिन्न है। तो चलिए मैं चैट को बंद कर देता हूँ, ठीक है, चैट को बंद कर देता हूँ और पोल को ऑन कर देता हूँ बच्चों। सारे बच्चे पोल में आंसर करिए, पोल ऑन हो चुका है, ठीक है। सारे बच्चे पोल में आंसर करिए।
ओके बच्चों, ओके कुल मिला करके है ना, कुल मिला करके 9 बच्चों का ठीक है और 5 बच्चों का गलत। नौ बच्चों का ठीक है, 5 बच्चों का गलत है। बाकी लोग भी आंसर करिए, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, तो गलत मत करिए, गलत मत करिए। लेकिन लिखा हुआ है 14/5 है ना, किस प्रकार का भिन्न है? ओके बच्चों, ठीक है, 11 बच्चों का ठीक है, 6 बच्चों का गलत ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, तो 11 बच्चों का करेक्ट, 6 बच्चों का गलत, बाकी लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, है ना। तो आप लोग आंसर लिख सकते हैं चैट में, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप टाइप करके हमें बता सकते हैं कि हाँ सर मेरे को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, किसी का कुछ डाउट है बेटा इस सवाल से रिगार्डिंग, या इसके पहले जितना भी चीजें मैंने पढ़ाई? हाँ जल्दी में गलत हो गया, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। यस, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आगे से गलत ना हो, है ना, ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, तो ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, 14/5 यहाँ पे जो अंश है वो ज्यादा है, और बच्चों जो ये हर है ना ये कम है, इसीलिए इसका जो एक तरीके से भिन्न का नाम रखेंगे उसको हम लोग बोल सकते हैं अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके ठीक है, चलो अब बेटा मुझे कुछ सिखाना है, पहले वो सिखा लेने दीजिए। ठीक है, पहले वो सिखा लेने दीजिए। हाँ देखिए, पहले ये देखिए भिन्न को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी है? तो बच्चों पहली कैटेगरी है उचित भिन्न, दूसरी है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न, और तीसरा है मिश्र भिन्न। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, और आप यहाँ से चीजों को सीख सकते हैं। अगर हाँ फिर भी दिक्कत है तो आप हमें बता दीजिए।
चल बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगा चेंज करना या कन्वर्जन करना भिन्नों का। ठीक है, भिन्नों का कन्वर्जन करना सिखाऊंगा बच्चों। सारे लोग ध्यान से है ना इसको सीखेंगे। ठीक है, सारे लोग ध्यान से इसको सीखेंगे। क्या होता है कन्वर्जन में, इसकी मान लेते हैं। ठीक है, एक विषम भिन्न ऐसे। तो एक इस वाले विषम भिन्न को है ना, इस वाले विषम भिन्न को हम लोग चेंज कर सकते हैं। मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं कि एक विषम भिन्न को हम लोग चेंज कर सकते हैं मिश्र भिन्न में? ठीक, अच्छा, इसका जस्ट उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं। उल्टा क्या है? उल्टा देखो बेटा, इसका उल्टा क्या होता है, यहाँ पे मिश्र भिन्न को हम लोग चेंज कर सकते हैं विषम भिन्न में। ठीक है, मिश्र भिन्न को हम लोग चेंज कर सकते हैं बच्चों विषम भिन्न में। समझ में आ रहा है आप सभी को? यहाँ तक समझ में आ रहा है? लेकिन सबसे पहले मैं पहला वाला सिखाऊंगा। पहला वाला क्या सिखाऊंगा? पहला वाला है कि जो विषम भिन्न है ना, जो विषम भिन्न है उसको हम चेंज करेंगे मिश्र भिन्न में। ठीक है, अच्छा, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू सिखा देते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा से सीख लीजिए। अच्छा, ये जो 15/4 इसको भी किया जाएगा, लेकिन पहले कुछ और सवाल कर लेते हैं। जैसे कि मान लो, मान लो 13/3 है ना, 13/3 है। ओके, देखो, क्या करेंगे हम लोग, 3 चौके 12, 13 में से 12 जाता कितना का, 1 आता है ना। तो इसका जो फार्मूला बनता है बेटा, वो फार्मूला बनता है बहुत ही प्यारा सा, कि भागफल सबसे पहले लिखना होता है, फिर एक बटे का चिन्ह बनाना है, और उसके ऊपर शेषफल लिखना है, और इसके नीचे भाजक लिखना है। ठीक है, ओके। इतना लिखने के बाद अब सारी चीजों को लिख दीजिए। भागफल कितना है बेटा, 4 है ना, 4 लिख दीजिए। शेषफल कितना है, तो शेषफल बच्चों 1 है, 1 लिख दीजिए। और भाजक है ना, भाजक वो कितना है, 3 है ना। तो आप इस 13/3 को एक मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, जो कि होगा 4 सही 1/3। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? बच्चों, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? तो ये राकेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, अननेसेसरी कमेंट मत करिए, अदरवाइज क्लास से तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अननेसेसरी कमेंट नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक विषम भिन्न को ना, एक विषम भिन्न को हम लोग चेंज कर सकते हैं एक मिश्र भिन्न में। इस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। अब फार्मूला भी मैंने बता दिया। फार्मूला होता है भागफल है ना, शेषफल बटे भाजक। इस तरीके से हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं। एक सवाल दूं आप सभी को करने के लिए, बच्चों एक सवाल दूं आप सभी को करने के लिए। ओके, चलिए इस वाले सवाल को करके दिखाइए। 15/4 है, 15/4 को आप चेंज करिए मिश्र भिन्न में। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं राकेश, ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा। 15/4 को चेंज करिए एक मिश्र भिन्न में।
ओके सारे लोग बताइए। ओके तो संदीप के नाम से बच्चा है, इनका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आया है संदीप का, है ना, एकदम करेक्ट आंसर आया है। बाकी लोग भी आंसर करिए, संदीप का आंसर करेक्ट। बेटा इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, तीन मत लिखिए, तीन से क्या होता है, ठीक है, तीन से तीन बटे चार। ओके गुड, तीन से तीन बटे चार। अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि कैसे करना है। देखो, चार से भाग करो 15 को, चार तिया 12, आप इसको माइनस करोगे कितना आएगा, 15 से 12 घटता है कितना आता है, 3 आता है। ये है भागफल, तो भागफल को सबसे पहले लिखना है, फिर बेटा शेषफल लिखना है, ठीक है, शेषफल कितना है, ये भी 3 है, और तब लिखते हैं भाजक, भाजक कितना है, 4, तो आपका उत्तर बनेगा 3 सही 3/4। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके सारे बच्चों को समझ में आया? ओके अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो चैट में लिख करके अपना डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पे ना, कुछ भी डाउट है अगर तो आप चैट में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करिए, है ना, एक और क्वेश्चन करिए आप लोग। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है बेटा, हमारा लिखा हुआ है 17/3, है ना, चलिए इसको चिन्ह करिए मिश्र भिन्न में। सत्तर बटे तीन है ना, इसको चिन्ह करिए मिश्र भिन्न में और इसका उत्तर दीजिए चैट सेक्शन में। देखो कुछ बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है, अब मैं इसको सिखा देता हूँ कि आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, सारे बच्चों को मैं सिखा देता हूँ। तो बच्चे ध्यान से देखना, पहले हम इस 17 को 3 से भाग करेंगे, है ना, 3 5 15 होता है और 3 6 18, तो ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा हमें नहीं करना है, हमें कम ही करना है, 3 5 15 17/15 है ना, 17 में से 15 जाएगा कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये तो भागफल है ना, भागफल ही तो सबसे पहले लिखते हैं, तो भागफल 5 है, 5 लिख दीजिए, फिर हम लोग क्या लिखते हैं शेषफल, शेषफल कितना है, 2, और अंत में क्या लिखते हैं बच्चों, भाजक यानी कि 3, तो आपका सही उत्तर बनेगा 5 सही 2/3। जो बच्चे 2 सही 5/3 लिख रहे थे उनका गलत है ना, क्या सारे बच्चों को समझ में आया, क्या सारे बच्चों को समझ में आया? ओके 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 बच्चों, ठीक है सर, बिल्कुल
ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूँ आप सभी को करने के लिए। मान लेते हैं 25 है, और 25 को 7 से डिवाइड करते हैं, बताइए कितना होगा। इसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, एक मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करिए इसको, मिश्र भिन्न में। सारे बच्चे कन्वर्ट करिए इसको। ओके ठीक है, सही। एकदम सही, जिनका बटे 5 आ रहा है बेटा गलत है ना, ध्यान से देखिएगा। तो 7 3 21, 21, 25 में से 21 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो 4 हो जाएगा है ना। तो भागफल 3 है, 3 लिख दीजिए, और शेषफल कितना बच्चों 4 है तो 4 लिख दीजिए, और भाजक कितना है 7 है तो 7 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्या ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया बच्चों पूरा अच्छे से? ओके ठीक है, चलिए। तो ओके बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब इसको आगे हम लोग कंटिन्यू कराएंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप से पूछ लीजिए।